दीपेश सावंत ने 10 लाख रुपए की मांग की थी। उन्होंने कहा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो मेरी गिरफ्तारी की वो लीगल थी ही नहीं और मेरे घर से तो कुछ बरामद ही नहीं हुआ था। अब आज उसी पर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी और उसको लेकर 24 पन्नों का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एफिडेविट दायर किया है। उन्होंने कहा कि हम उसके घर छापे के लिए गए थे, हमने उसको अगले दिन के लिए समन किया था, लेकिन खुद दीपेश ने बोला कि मैं आपके साथ चलता हूँ। और जब अगले दिन हमने उसे जाने को कहा, वो थक गया था कि अगले दिन आना, तो उसे कहा कि रात को मुझे कहाँ से मिलेगा और मैं जो है यहीं पर रुक जाता हूँ। तो एनसीबी ने अपने 34 पन्नों के एफिडेविट में इस तरह का बयान दिया है कि दीपेश सावंत जो बातें कर रहा है उसका कोई तर्क नहीं है। आफ्टर द कम्प्लीटिशन ऑफ द पंचनामा समन्स वर सर्व्ड अपॉन सावंत, ऑफिसर ने उसे कहा कि तुम एनसीबी के दफ्तर आ जाना 4 को। हाउएवर इट वॉज सावंत हिमसेल्फ हु स्टेटेड दैट ही विश टू अकंपनी द ऑफिसर ऑफ एनसीबी सिंस इट वॉज नाइट एंड ही वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू ट्रेस द एनसीबी ऑफिस। इतना ही नहीं, आगे जो है उन्होंने कहा कि उनकी मदर और भाई की प्रेजेंस में ही ले जाया गया था और जहां वो बात कर रहे हैं वहीं जब उनको जाने के लिए भी कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर ही रुक जाता हूं, मुझे रात को कोई मिलेगा ही नहीं ट्रांसपोर्टेशन। और अकॉर्डिंग सावंत स्टेड ओवरनाइट ओवर हिज ओन विल एंड वॉयलेशन। एनसीबी ऑफिशियल्स प्रोवाइडेड हिम ब्रेकफास्ट एंड अदर फैसिलिटीज एंड ही शोड हिज विलिंगनेस टू कंटिन्यू विद हिज फर्दर वॉलेंट्री स्टेटमेंट। तो सावंत ने ये कहा था कि उनको जबरदस्ती बैठाए रखा जबकि उनका स्टेटमेंट बहुत घंटे बाद लिया गया, और इतना ही नहीं उनके घर से कुछ नहीं मिला था, उनको टॉर्चर हुआ है, 10 लाख रुपए का जो है जुर्माना एनसीबी दे। तो एनसीबी ने इन सारी चीज़ों को लेकर जो है सफाई दी है और कहा है कि ऐसा कुछ भी गैर कानूनी नहीं हुआ है। तो एनसीबी की ओर से जो है सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति MS कार्निक की एक पीठ को बताया कि प्रॉपर पूरे के पूरे दस्तावेज तैयार होने के बाद ही 5 सितंबर को सावंत को गिरफ्तार किया गया था, जबकि सावंत के वकील का ये कहना है कि नहीं, उनको 4 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि अब जो है कोर्ट ने ये कहा है कि इस सारी चीज़ों का कोई आधार नहीं है, कोई सच नहीं है। एनसीबी ने कहा है कि सावंत के आरोप सच नहीं है, इसलिए किसी की जाँच की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने फिर भी इस मामले की अगली सुनवाई जो है 4 दिसंबर तय की है। तो 4 दिसंबर को जो है पता चलेगा कि आखिर इसमें क्या आया, क्या दीपेश सावंत जो 10 लाख रुपए का जुर्माना चाहते हैं एनसीबी से, क्या वो उन्हें मिलेगा। हालांकि एनसीबी के पॉइंट से जो है आज अदालत एग्री दिखी और उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि ये सच नहीं है और एनसीबी ने कहा है कि सावंत के आरोप सच नहीं है। तो अब ये पता चलेगा कि 4 तारीख को इस पूरे केस पर कोर्ट जो है क्या फैसला सुनाता है।